हेलो दोस्तों, टेक्निकल मोनू में आपका स्वागत है। आज हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम बताने वाले हैं HBSC ड्राइंग के बारे में। आपको ड्राइंग कैसे देखना है, कैसे चेक करना है, कैसे उसको रीड करना है, उसमें स्केल क्या होता है, स्केल कैसे चेक करना है, ये सब के बारे में हम वीडियो में डिटेल्स में बताने वाले हैं। अगर वीडियो के बारे में आपको नॉलेज है तो वीडियो स्किप कर सकते हैं, नई नॉलेज है तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको ज़रूर कुछ जानने सीखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो डिसलाइक कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आइए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। का ड्राइंग है जिसके बारे में हम बता रहे हैं, ये एक फ्लोर का ड्राइंग है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप बिल्कुल नहीं जानते हैं तो आपको कैसे कैसे क्या करना है इसके बारे में हम पूरा बता रहे हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको ज़रूर बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। देखिए, आपको मालूम नहीं है, आपको एक फ्लोर का ड्राइंग दे दिया गया, आपको बोले जाएगा कि आपको जाके इस काम करने के लिए या कुछ देखने के लिए, तो आप कन्फ्यूज होंगे कि हमको कैसे क्या करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप उस फ्लोर में जाना है जिस फ्लोर का ड्राइंग है। उधर जाने के बाद आपको 2-3 पॉइंट देखना है मेन। जैसे मान लीजिए फ्लोर बना है तो उधर साफ्ट होगा, लिफ्ट के लिए साफ्ट होगा, चाहे लिफ्ट का साफ्ट ढूंढना है, चाहे आपको स्टेयर मिला होगा, सीढ़ी कहीं बनाया होगा, ये सब आपको देखना है। ये सब देखेंगे तो आपको लोकेशन मालूम हो जाएगा कि आप कौन से जगह में खड़े हैं। जैसे मैं आपको ड्राइंग में बताता हूँ, देखिए आपको इधर कॉरिडोर लिखा हुआ है। अगर कॉरिडोर लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ है तो आपको कॉरिडोर में जाएंगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा। ये देखिए, इधर से आ रहा है कॉरिडोर, ये ऐसे है, इधर से थोड़ा सा कर्व होके क्रॉस होके इधर से ऐसे कॉरिडोर जा रहा है। ऐसे देखिए, यहाँ तक आके फिनिश हो गया, ये एक साफ्ट है। ऐसे देखिए, उसके बाद देखिए इसमें, देखिए कॉरिडोर के पास ये देखिए साफ्ट दिया हुआ है, ऐसे क्रॉस किया है ऐसे, इसका मतलब ये सॉफ्ट है। साफ्ट में देखिए लिखा हुआ एलिवेटर, मतलब तीन टाइप का एलिवेटर है, थ्री टाइप, 1-2-3 एलिवेटर, तीन एलिवेटर, मतलब एलिवेटर मतलब लिफ्ट है, ये तीन लिफ्ट लगा हुआ है। आप इधर खड़ा होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं लिफ्ट के पास खड़ा हूँ और ये ड्राइंग में ये लिफ्ट दिया हुआ है। अगर ये नहीं आपको है, नहीं मिल रहा है, नहीं है, तो इधर एक स्टेयर होगा, तो इधर स्टेयर नहीं दिख रहा होगा, ड्राइंग छोटा हम लेके आए हैं क्योंकि बड़ा में नहीं दिखता। देखिए इधर ये स्टेयर ये दिख रहा है, ये सीढ़ी है, सीढ़ी जो देखिए इधर है, इस ये मिल जाएगा। अगर ये नहीं मिलता, देखिए ये भी एलिवेटर है, ये सर्विस लिफ्ट है। ड्राइंग में मतलब लिफ्ट, सर्विस लिफ्ट और होता है, पैसेंजर लिफ्ट भी होता है, तो ये सर्विस लिफ्ट है। देखिए इधर दिया है, तो ये आपको ये ढूंढेंगे तो ड्राइंग में दिख जाएगा और उसके हिसाब से आपको मालूम चल जाएगा कि आप कौन से लोकेशन में खड़े हैं, क्योंकि ये होगा ही होगा। इसके हिसाब से अगर जो चीज़ है, मान लीजिए स्टेयर है, स्टेयर होना ही होना है, तो उसमें आप ढूंढ लेंगे। अभी इधर कॉरिडोर में खड़ा होकर कुछ ढूंढेंगे तो दूसरा कुछ आपको देखने के लिए ऐसे नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको स्टेयर और एलिवेटर ऐसा कुछ ढूंढना है जो ड्राइंग में है और आप उधर आपको आसानी हो ढूंढने के लिए। देखिए वे ड्राइंग में ये आपको मिल गया, आप इधर खड़े हो जाएंगे तो आपको बोलेगा कि किधर जाना है, चाहे क्या करना है। तो देखिए इधर देखिए ड्राइंग में ये देखिए, अगर ये जो दिख रहा होगा आपको ऐसे करके दिया हुआ है, ये मतलब इसका मतलब ये है कि ये सिंगल डोर है। इधर डोर जो लगा है, सिंगल डोर लगा हो, और ये देखिए इलेक्ट्रिक रूम लिखा हुआ है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक रूम है। लेकिन देखिए इधर एक ऐसे करके और ऐसे करके ऐसे दिया हुआ है, राउंड दो बार दिया हुआ है, इसका मतलब ये है ये जो डोर है डबल डोर है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। इसको भी आप सिविल में काम करते हैं तो सिविल के लिए भी, मैकेनिकल करते हैं तो मैकेनिकल के लिए, दोनों के लिए आपको फायदा हो जाएगा। ड्राइंग देखना आना चाहिए। देखिए ये इसमें डबल डोर लगा हुआ है, फिर ऐसे देखिए ये स्टेयर के लिए देखिए दिया हुआ है, स्टेयर में देखिए इधर स्टेयर लिखा हुआ है, इधर से अप लिखा हुआ, इधर से डाउन लिखा हुआ, इधर भी एक ऐसे है, ये सिंगल डोर है। ये गार्बेज रूम दिया हुआ है, गार्बेज रूम में भी ये सिंगल है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको ये मिल गया और एलिवेटर हो गया। इसके बाद ये देखने के बाद दोस्तों आपको कैसे पता करना है, जैसे मान लीजिए कोई डक्ट दिया है ड्राइंग में दे दिया, तो आपको कैसे पता करना है कि मान लीजिए ये दीवार है, ये वाल है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाल है, ये दीवार में जैसे कोर वाल हो गया, चाहे शेरवाल है, जो भी है, ये दीवार दिया हुआ है, डक्ट का साइज दिया हुआ है, और इधर से कोई साइज नहीं दिया कि हमको डक्ट दीवाल से ये डक्ट कितना दूरी पे जा रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे और कैसे क्या करेंगे इसके बारे में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ड्राइंग में कॉर्नर में, मैं आपको ड्राइंग में भी दिखा के बताऊँगा कि कैसे आपको पता चलेगा। ड्राइंग में कॉर्नर साइड में वो स्केल देता है, स्केल में लिखा होगा कि आपका कितना का स्केल का साइज दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप
कर सकते हैं। देखिए मैं आपको ड्राइंग में इसमें दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ड्राइंग के राइट साइड में आपको स्केल का साइज देगा। देखिए इधर लिखा हुआ ना स्केल 1 mm, ये mm में ड्राइंग है, mm में 75 mm दिया है, 75 1 mm इक्वल टू 75 mm। तो इसका मतलब कैसे होता है, क्या होता है, कैसे निकालेंगे आप, मैं इसके बारे में पूरा बता रहा हूँ डिटेल्स में कैसे निकालना है आपको। देखिए अभी मान लीजिए ये दीवार हो गया, आपको दीवार मालूम हो गया, डक्ट का साइज मालूम हो गया, और इससे दूरी कितना है यह मालूम नहीं है, तो आपको ये निकालने के लिए मैं बता रहा हूँ। आपको ऐसे एक मीटर लेना है, मीटर लेके आपको इधर से इधर चेक करना है, ऐसे चेक करेंगे, ऐसे इधर से एमएम में आपको चेक करना है, एमएम में ड्राइंग दिया है, एमएम में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, वो आप ड्राइंग में भी देख सकते हैं, नहीं तो आप पूछ सकते हैं इंजीनियर से, सुपरवाइजर से, चाहे फोरमैन से, जो भी हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। तो देखिए इधर से आपको कितना मिल रहा है, इधर से यहाँ से लाइन से और यहाँ तक आपको 11 mm मतलब 11 mm मिल रहा है। तो 11 mm में तो उधर दिया है स्केल में क्या दिया था, 1 mm बराबर 75। तो ऐसे देखिए 75 × 11 आ रहा है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 11 × 75 825 mm आ जाएगा, मतलब 1 मीटर से कम आएगा, 825 आएगा। तो हम इधर से 825 mm इधर लेके मार्किंग कर सकते, मार्किंग ये डक्ट का साइज हो गया, अभी ये डक्ट का साइज हो गया, जिधर तक दीवार से डक्ट दिया है। अभी डक्ट में जब सपोर्ट लगाएंगे तो आप 5 mm इधर छोड़ के 15 mm 50 mm इधर छोड़ के और 50 mm इधर छोड़ के लगाते हैं या 10 छोड़ के लगाते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो डक्ट के साइज से आपको सपोर्ट लगाना है इधर, तो आप जितना 15 mm 50 mm या 100 mm छोड़ के लगाना चाहते हैं, तो जितना ये आ रहा है इसमें से आप माइनस कर दीजिएगा, इतना mm माइनस कर देंगे तो जितना ये आएगा आपका इधर से सपोर्ट का साइज हो जाएगा, इधर आपको इधर आप सपोर्ट लगा सकते हैं, इधर हिल्टी मारेंगे सपोर्ट लगा देंगे। उसके बाद जितना आपको छोड़ना है डक्ट का साइज 5 mm, अगर 15 mm छोड़े हैं तो 15 mm इधर से और 15 mm इधर से जोड़ देंगे डक्ट में, मान लीजिए 500 का है तो 600 हो जाएगा, 600 में एक इधर सपोर्ट मार देंगे तो आपका ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे चेक करना है, अभी इधर देखिए मान लीजिए ऐसे इधर भी चेक कर लेंगे, एल्बो है तो एल्बो में नहीं चेक कर पाएंगे, तो आप इधर चेक करके एक सपोर्ट लगा लीजिए, इधर लगा लेंगे और एल्बो डाल देंगे, चाहे एल्बो में ड्राइंग में भी इधर से चेक कर सकते हैं ये कॉर्नर में कितना पड़ रहा है, चाहे इधर से ये एक पॉइंट बीच का पॉइंट निकालेंगे, बीच का पॉइंट चेक करके आप ये भी कर सकते हैं दोस्तों। पाइप में भी सेम ऐसा ही होगा, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं इसका राउंड एक पाइप का थिकनेस कितना है, उसके हिसाब से आप सपोर्ट इसका बीच में होता है, राउंड सपोर्ट होता है, इसके लिए जितना ये निकाल लेंगे एरिया कितना है, ये एरिया निकालने के बाद पाइप का थिकनेस कितना उसमें से आधा करके इसमें जोड़ देंगे, जोड़ के बीच में हिल्टी मारेंगे तो मिडल में ये आ जाएगा। उसके बाद हम दोस्तों अगले वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आपको भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम बताते हैं। दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद।